एही घोरन रे बिंदु बिंदु जोर लागिबार कारण कोन ना भात हांडी उपरे थे घोरन टी वायु संस्पर्श रे आसी ठंडा हुए भात रांधिया बेले हांडी रु बाहर थुवा बाप कोन ना बाष्प घोरनी रे लागि ठंडा होई कोन हुए ना जल रे परिणत हुए एथिरु तुमे कोन जानलो ना बाष्प ठंडा हेले कोन हुए ना बाष्प ठंडा हेले बरफ बाहर साधारण तापमात्रा रहिले जल जल गरम कले कौन हला बाष्प कठिन पदार्थ को गरम कले कौन हुए ना तरल हुए बाष्प ठंडा हले कौन हुए ना जल हुए बोली आम जानलु। अच्छा सुना रूपा लुहा पथर काठ आदि कठिन पदार्थ एहाको विभिन्न पात्र रखिले मध्ये एहार आकृतिर किछि परिवर्तन होय कि हुए नाही काहेकि ना कठिन पदार्थ से केबे आकृतिर परिवर्तन हुए नाही केवल तरल पदार्थ आमे जानिछु जे से जेउ पात्र रे सेही आकृति धारण करे। सुना कारीगर सुनकु तरल ए छाचरे ढाली विभिन्न आकृतिर अलंकार तयार करे काठ कोइला परि केतेक कठिन पदार्थ को गरम कले ताहा कोन हुए ना जळी पांश हुए। कठिन पदार्थर नाम गरम करी प्रस्तुत होइबार जिनिष देउ तुमर टेबुल टे दि जाइए जे कठिन पदार्थ लुहा लुहारु तैयारी किस ना कदाल आमर शावल कुराड़ी इत्यादि सेमती पीतल कौन ना बासन मूर्ति आदि तैयारी हुए कंसार कौन हुए ना बासन हुए रूपारू कौन हुए ना मूर्ति प्लेट आदि तैयारी हुए। किसी कर्पूर खंड ना कर्पूर देखीच घरे गाँव कर्पूर थाए कर्पूर देखीच कि ना कर्पूर खंड को एक पात्र गरम कले तरल सीधा हो कौन हुए ना बाष्प परिणत हुए केतेक कठिन पदार्थ को गरम कले तरल न हो कौन हुए ना सीधा बाष्प परिणत हुए जथा कर्पूर आयोडीन आदि मानने पदार्थ से कौन हुए ना सीधा सड़क बाष्प परिणत हुए। अच्छा आज ये रखिले पुणी परवर्ती काल विषय आगे जावा आज तुम्हें कौन कह ना हाँ आ गए टी जान ये जो तुम अभ्यास जो प्रश्न रही अभ्यास प्रश्न गुड़ी तुम्हें घर कर।